इतने बड़े घर के परिवार मुझे देखने आ रहे हैं। माँ ने मुझे ये सब तो नहीं बताया, ये कब तय हो गया? लड़की वाले देखने तक आ रहे हैं। तेरा जब ऐसा मुंह लटकता है ना, तो तब कुछ ना कुछ तो बात बिगड़ी होती है। क्या, मोहिनी तो तेरी छोटी बहन है ना, उसकी शादी कैसे हो सकती है? राहुल तुम कैसे जानती हो? अरे वही राहुल जिसके पीछे 100 लड़कियां पागल थे। आजकल तो बड़े खुश दिख रहे हो भैया। क्यों नहीं, भाभी जो आएगी घर पे। माँ की खुशी के लिए जा रहा हूँ मैं। चल ठीक है, वैसे जाना कब है? बस यही एक घंटे में निकल रहे हैं। मम्मी मैं उस मोटी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाने वाला हूँ। चल यार स्टार्ट कर। रामू जी। मैम साहब। अरे तो चमेली पता दी थी, वो तो लग ही रहा है कि यही गांव है। अरे थोड़ा सा आसपास लोगों को पूछना रामू कि वो सरस्वती का घर कहाँ है। अरे मैडम जी, मैडम जी थोड़ा सुनिए जरा। अरे बहन जी सुने तो जरा। क्या बड़े अजीब इंसान हो, तुम मुझे बहन जी बोल रहे हो? कौन से एंगल से लग रही हो तुम? मैं बहन जी? हाँ जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। शहर में तो मैडम बोलते हैं यहाँ यही गाँव है, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। गांव है तो क्या हुआ, मैं गांव की हूँ। गांव गवार होगा बट मैं स्टाइलिश हूँ। वैसे आपको काम क्या है? जी बहन जी मेरा मतलब है मैडम जी, आप बोल सकते हैं ये गांव का नाम क्या है? हमें मालतीपुर जाना था, तो बता दीजिए ना ये क्या मालतीपुर है? भैया ये मालतीपुर ही है। मालकिन मालकिन ये मालतीपुर ही है। भू रामू ठीक है, मालतीपुर है, उन्हें पूछो ना कि ये सरस्वती नाम का औरत का घर कहाँ है। अरे हाँ हाँ मालकिन, वो तो मैंने पूछना भूल गया था। ठीक है पूछ लेता हूँ। खूबसूरत लड़की जो है सब देखते ही मैं सब गड़बड़ा गया। ठीक है पूछ लेता हूँ। मैडम जी मैडम जी। ओफो तुम अभी तक गए नहीं, क्या हो गया बताओ। मैडम जी क्या आप ये बता सकती है कि ये सरस्वती जी के घर कहाँ पर है? अच्छा तुम वो सरस्वती आंटी की बात कर रहे हो? हाँ वो रहते हैं यहाँ से आगे 3 घर छोड़ के उनका घर है। वैसे तुम्हें क्या काम है? ऐसे थोड़ा बस काम था। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। मालकिन घर का पता तो मिल गया, आगे से। रामू दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ी थी और मैंने सुन लिया था, चलो उस पते पे चलते हैं। मालकिन पूरा गली दिख रहा है, यहाँ गाड़ी तो नहीं जाएगा, आगे चल के जाना पड़ेगा पैदल। हाँ हाँ मुझे पता है ऐसे छोटे मोटे गलियों में कहाँ गाड़ियाँ जाते हैं। अरे माँ हो गया ना, आप कितना मुझे तैयार करोगी? अरे पगली तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, सब नीचे से लेके ऊपर तक तुझे अच्छे से देखेंगे, बोलेंगे नहीं तो माँ ने अच्छे से साड़ी नहीं पहनाया। और वहाँ पे बोलने देना कि माँ ने साड़ी पहनाया, बोलना मुझे साड़ी पहनना आता है और मैं तो हमेशा साड़ियों में ही घर पे रहती हूँ, बल्कि साड़ियों में ही सो जाती हूँ। मम्मी को ज्यादा नहीं हो गया? अरे बेटा चलता है शादियों में। उफो मम्मी पता नहीं कितने देर से ये साड़ी पहनना पड़ेगा, इससे तो अच्छा लगता है शादी नहीं करती तो ये अच्छा होता। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं अशुभ अशुभ बातें। हाँ मम्मी आप अच्छे से मुझे काला टिक्का लगाओ, कहीं अपनों की नजर ना लग जाए। अरे सरस्वती। अरे जी आप क्या हो गया बताइए, देखो तो दरवाजे पे कोई आया है। अरे सुनिए ना आप ही खोल दीजिए ना, आप देख नहीं रहे हैं मैं अपनी मोहिनी को तैयार कर रही हूँ। अरे यार तुम तैयार कर लेना, पर देख तो लो एक बार, काश लड़के आए वाले आए होंगे। अरे हाँ लड़के वाले भी तो आ सकते हैं। अरे जाके मैं देखती हूँ। बेटा सुन, अगर लड़के वाले आए होंगे ना तो मैं तुझे आवाज दे दूंगी। अरे ये कैसे लोग हैं, लड़की वाली होके स्वागत नहीं कर रहे हैं? हाँ मालकिन ये बात बिल्कुल सही बोले आपने, स्वागत तो करना चाहिए कम से कम आपने। अरे आप आए हैं, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ रामो। नमस्ते भैया जी, आपको यकीन नहीं होगा मैं आपका कितने समय से इंतजार कर रही थी, फाइनली आप आ गए। आइए आइए हमारे घर पे आइए रामू, चलो। अरे जी आइए आइए बैठिए बैठिए। रामू तुम यहाँ पे खड़े रहो। जी मैम साहब। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय पानी लेके आती हूँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मेरा 16 सोमवार का व्रत है। अच्छा ये ठीक है कोई बात नहीं, आपका बेटा नहीं दिख रहा है? वो तो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, पर आप अपने बारे में बताइए। जी मेरे बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी कुटिया के अंदर पधारे।
अच्छा लगा सुन के। पर वो सब छोड़िए, जिस काम के लिए उस काम का आरंभ करें। आप अपनी बच्ची को बुलाइए। अपने पति, आपके पति कहाँ है? जी मैं बुलाती हूँ। अजी सुनिए, आप कहाँ पे आइए, यहाँ पे। हाँ सरस्वती, क्या हो गया? आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कौन है? अच्छा दिख रहा है। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं सुरेश। नमस्ते भाई जी, मैं सुमति। और ये रामू, हमारे हवेली का नौकर। जी नमस्ते, आपसे मिलके अच्छा लगा। अरे ये चमेली अभी तक क्यों नहीं आई, और लड़के वाले आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। अरे अरे विवेक किधर चले गया है? यहाँ पे ही तो था, इतना देर हो गया, और ऊपर से ये नेटवर्क का प्रॉब्लम, फोन भी नहीं लग रहा। बोल भी तो गया था अभी आ रहा हूँ। चलो मैं आगे देखता हूँ कहाँ होगा। अरे यार ये विवेक कहाँ चले गया? पता नहीं यार, मैं तो ये गांव में नया हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ गया, और एक तो कॉल ही नहीं लग रहा। मैंने तो यहीं से रुकने के लिए बोला था, और ऊपर से इसकी गाड़ी भी नहीं दिख रही यार, अब मैं क्या करूँ? चलो अभी किसी और से मदद ले लेता हूँ, कम से कम उस लड़की के घर तक तो पहुँच जाऊँ। अरे अब चलते चलते कितना देर हो गया है, लगता है यही बाल्टीपुर है। I'm really sorry। कौन है यार, किसने मेरी मिट्टी गिरा दी? I'm really sorry, well, मुझे दिखाई नहीं दी, और मैं तब से चल रहा हूँ तो थक गया, sorry, sorry। तुम्हें क्या लगता है ये मटकी भरना इतना इजी है? मैं वहाँ से लेके यहाँ तक चलते चलते आ रही हूँ ये मटकी लेके, और तुमने एक मिनट में मेरी मटकी नीचे गिरा दी, अब मैं क्या करूँ? अरे यार सॉरी, तुम्हें बोला ना यार, मैंने गलती से गिरी, अब मैं जान बूझ के थोड़ी ना करूंगा। अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है? वैसे तुम मेरी एक मदद कर सकती हो प्लीज? क्या मदद, वैसे भी तुमने मेरा काम आधा और बढ़ा दिया है। चलो बोलो क्या मदद करना है। Well, I'm really sorry। अगर तुम चाहो तो मैं ना तुम्हारी रीति 3-4 मटकी भर के लेके आ सकता हूँ, पर यार इस गांव में मैं नया और मुझे पता नहीं है कि मैं कुछ पता ढूंढ रहा हूँ यार, तुम मुझे पूरा हेल्प कर दोगी? हाँ हाँ बताओ, किसका पता चाहिए तुम्हें? वो एक्चुअली मेरा जो दोस्त है ना, मेरा कॉलेज का यार राहुल जो है ना, वो अपने लिए एक लड़की देखना है, कुछ मोहिनी नाम की कोई लड़की है। हाँ, और कोई सरस्वती नाम का कोई घर है, हाँ उनके नाम का कोई घर है, उधर मुझे जाना है। राहुल, कहीं तुम राहुल चौधरी की तो बात नहीं कर रहे हो ना? अरे वही राहुल चौधरी जिसके कॉलेज में मैं जूनियर थी, जो हमसे 2 साल सीनियर था। अच्छा अच्छा, तुम भी वही फ्रैंकलिन कॉलेज में पढ़ा करती थी ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन। अच्छा, मैं तभी सोचा कि मैं तुम्हें देखा देखा सा लग रहा था। अरे तुम कहीं रीता तो नहीं? तुम्हें अभी तक मेरा नाम याद है? ऑफ कोर्स मैं रीता ही हूँ, और मुझे भी याद है तुम वो विशाल तो नहीं हो ना? अरे यार कम ऑन, मैं विशाल नहीं, मैं विवेक हूँ, राहुल का सबसे ज्यादा जिगरी यार। यार तुम मुझे कैसे भूल गई? एक्चुअली विशाल और विवेक तुम दोनों साथ साथ रहते थे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पर ज्यादा हैंडसम तो मैं ही हूँ ना विशाल से, क्योंकि विशाल तो 3rd आया था, मैं 2nd आया था हैंडसम कंपटीशन में। हाँ हाँ याद है, पर 2nd-3rd को कौन पूछता है, 1st तो राहुल आया था। आई कांट बिलीव राइट, तुम अभी भी राहुल के दोस्त हो? हाँ ऑफ कोर्स, राहुल मेरा जिगरी यार है। वैसे तुमसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। एक चीज पे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, राहुल जैसा इतना अमीर ज्यादा लड़का इस गांव में एक लड़की को देखने आया है, सुन के मजाक लग रहा है। अरे यार राहुल तो बस टाइम पास करने आया है, तो तुम्हें पता है क्या, उसकी मम्मी ने उसे जबरदस्ती किया इसलिए वो आ गया, और हम दोनों ने सोचा कि मैं भी आ जाऊं। और वैसे भी आंटी जी को ना गांव की बहू ही चाहिए, क्योंकि वो खुद गांव की थी। पर तुम्हें पता है एक बात, कि जिस लड़की को तुम देखने आए हो उसकी बड़ी बहन कोमल है। कोमल, ये कौन है? अरे तुम कोमल को नहीं जानते? अरे वही तो कोमल जो मेरे साथ रहा करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा वो गवार लड़की जो तुम्हारे साथ रहा करती थी, और राहुल को एक तरफा प्यार हो गया था? क्या सच में? और इस बात पे कोमल को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि राहुल ने ये बात आगे नहीं बढ़ाया, उसने मन ही मन में ये बात दबा दिया। पर यार वो सब चीज छोड़ो, बातें शत्ते बाद में हो जाएंगे, पर प्लीज अब तुम मुझे उस घर तक छोड़ दोगी? अच्छा अच्छा एक बात और, क्या कोमल की शादी हो गई है? नहीं, बड़ी अजीब बात है। क्या ऐसे भी होता है क्या कि छोटी लड़की का पहले शादी होती है? वही तो, मैं अभी भी शॉक में हूँ कि कोमल की माँ उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। क्या कोमल की माँ ऐसे उसके साथ? हाँ वो कोमल मेरी अच्छी दोस्त है ना, तो वो सब चीजें मुझसे शेयर करती है, उसने मुझे बता दिया था। पर ये तो गलत बात हो गई ना, राहुल प्यार करता है कोमल से, और वो देख रहे हैं उसकी बहन को। अगर राहुल को इस बारे में पता रहता ना, तो वो पागल से झूमता कि वो कोमल के यहाँ आया है। तो चलो मुझे जल्दी लेके चलो, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है चलो चलते हैं। मालकिन मालकिन, क्या हो गया रामू, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ बैठी हूँ? राहुल साहब आ गए। अच्छा राहुल आ गया, चलिए ये तो अच्छी बात है।
बेटा राहुल आप कहाँ रह गए थे? अरे माँ इस गांव में तो भटक सा गया था मैं, और ये विवेक भी पता नहीं गाड़ी से उतर के कहाँ चले गया, और नेटवर्क तो मम्मी जो बोलो खराब है यहाँ पे। हाँ बेटा छोटा गांव है। बेटा इनसे मिलो, नमस्ते करो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे बेटा आप बैठो ना, आप खड़े होके नमस्ते क्यों बोल रहे हो? बैठो। अरे वाह मेरी मोहिनी के तो भाग ही खुल गए। अब तो हमारा लड़का भी आ चुका है, आप अपनी लड़की को भी बुलाइए। जी 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 मैं अभी बुलाती हूँ। बेटा आजा आजा आजा, आराम से बेटा आजा आजा। जी माँ आ तो रही हूँ। बेटा इसको नीचे रख दे, पी लीजिए चाय। अरे वो सब की जरूरत नहीं है, आजा तो यहाँ पे आके बैठ। देख ले बेटा कितनी गोरी कितनी सुंदर है ना। अरे बेटा तेरा ध्यान किस तरफ है? लड़की देखनी है, लड़की को देख। राहुल देखो ना। जी माँ देख तो रहा हूँ, कहाँ फंसा दिया मुझे भी। अरे ये कैसा लड़का है, मेरी लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा है। कितनी सुंदर से सजाया मैंने इसको। हमारी माँ कहा करती थी, लड़की के गुण और उसका चेहरा अगर एक जैसा हो तो लड़की भाती है। लड़की आपकी सुंदर तो है देखने में, पर लड़की में गुण क्या है? गुण तो बताइए। अरे जी जी हमारी लड़की में बहुत सारे गुण है, आप गुणों की तो चिंता मत कीजिए। गुण अगर लिखते बैठूंगी ना तो रात हो जाएगा। अच्छा। उसे सिलाई आती है, बुनाई आती है, खाना बनाने आता है, घर साफ करने आता है, घर सजाने आता है, और आप बताइए और क्या नहीं आता। घर के सारे काम कर लेती है, और सुबह 5 बजे उठती है और ना सारे भगवानों का पूजा करती है, और सुबह सुबह जाके डुबकी मार के आती है नदी में। ये फेंकना मुझ पे भारी ना पड़ जाए बस। अरे मम्मी मेरे बारे में इतना क्यों फेंक रही है? मैं भी तो जरा परखूं अपनी होने वाली बहू को। मोहिनी अगर तुझे मैं कपड़ा दे दूं तो तू सिला सकती है? जी वो मैं हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना बेटा मोहिनी जी? आप थोड़ा शांत रहिए, मैंने मोहिनी से पूछा है, मोहिनी को बताने दीजिए। मोहिनी बताओ क्या तुम सिला सकती हो? बेटा हाँ बोल दे। अरे ये माँ क्या इशारा कर रही है? अरे हाँ बोल दे बेटा, नहीं तो इतने बड़े घर का रिश्ता हाथ से जाएगा। हाँ बोल दे। हाँ हाँ आता है ना सिलाई मुझे। और खाना बनाने आता है तुझे? जी जी इसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। अरे ये जो आप मिठाई देख रहे हो ना, ये इसने सब मिठाई अपने हाथों से खुद से बनाया है, इसकी तो मैं बिल्कुल मदद नहीं करती। और पता है किचन में इतना अच्छा खाना बनाती है ना, इसके खाने का स्वाद पूरे गांव वालों को पता है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात हुई। राहुल बेटा तुझे कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ वैसे मोहिनी तुम किधर तक पढ़ी लिखी हो? बेटा पढ़ाई के बारे में पूछने की क्या जरूरत है, लड़की का तो काम बस घर का ही होता है ना, उसे और कुछ पूछो। अरे माँ मैं और क्या पूछूं? जी वो मैं 12वीं तक। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, ये तो बस गिरते फिरते बस 12वीं तक ही पास है, फिर बाद में सब घर का काम करती है, सब घर का अच्छे से काम करती है। मतलब 12वीं तक ही है या फिर इसके आगे पढ़ना चाहती है आप? जी वो मैं पढ़ना। अरे पढ़ने वढ़ने की क्या जरूरत है, गाँव की लड़की है 12वीं तक ठीक है। जी जी आपने सही बोला, घर की गांव की लड़की है, 12वीं तक पढ़ लिया बहुत हो गया। और वैसे भी बेटा तुम्हें पता है ये पूरे गांव में हमारी मोहिनी तीसरी लड़की है जो कि 12वीं तक पढ़ी लिखी है। और नहीं तो क्या, बस इतना ही चाहिए, लड़की 12वीं तक पढ़ी लिखी है बस बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तो माँ स्वीटी का क्या, स्वीटी भी तो एक लड़की है ना, वो भी तो पढ़ाई कर रही है। बेटा स्वीटी चौधरी परिवार की खानदान की है, खानदानों वाली लड़कियां पढ़ाई करती हैं, ना कि गांव की लड़कियां। गांव की लड़कियों को बस 10वीं 12वीं तक ही शोभा देता है। माँ अभी क्या बोल रही हो, आपको पता है ना मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। लड़कियों को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर। वैसे मैम साहब सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैम साहब भी तो गाँव के है ना। रामू तुम चुप रहो। जी मैम साहब जी। तो बताओ बेटा तुम्हें और क्या क्या आता है? कोमल कोमल। राहुल राहुल। अरे ये तो विवेक की आवाज आ रही है, लगता है विवेक आ गया। अरे ये कोमल को कौन आवाज दे रहा है? लगता है ये रिया है, इस मनुष्य को अभी आना था क्या, सारे कराए पे पानी फैल जाएगा। कोमल ये कोमल कौन है?